अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच आंख मिचौली का खेल जारी है। तीन बार ईडी अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला चुका है और तीनों ही बार अलग अलग कारण बताकर वो बचते आए हैं। आप भाजपा के तमाम प्रत्यारोप के बीच प्रश्न ये भी उठ रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ही ईडी की जांच से क्यों बच रहे हैं। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। इसके पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी ईडी सहित कई एजेंसियों ने खूब पूछताछ की थी। दोनों नेताओं को एजेंसियों ने बार बार नोटिस देकर बुलाया और हर बार उन्होंने एजेंसियों के कार्यालय पर जाकर अपने जवाब दिए। वहीं कांग्रेस के दोनों ही शीर्ष नेताओं ने जांच एजेंसी के सामने पेश होने से कभी इनकार नहीं किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा ये आरोप लगाते रही कि पुराने विवादों को उछालकर उनके नेताओं को आकर्षण परेशान किया जा रहा है। वहीं पार्टी ने पूछताछ के दिन सड़कों पर प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसके बाद भी दोनों नेताओं ने कभी जांच से भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जांच एजेंसियों के सवालों का सामना किया, यहां तक कि जब प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की गई तो उन्होंने भी कभी जांच से बचने की कोशिश नहीं की। वे तय समय पर जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंचे, 8-8 घंटे तक लिखकर एजेंसी के प्रश्न के जवाब भी दिए और वापस आते समय एजेंसियों को ये भी भरोसा दिलाया कि वो जब भी चाहेंगे वो जांच पूछताछ के लिए हाजिर रहेंगे। लेकिन कांग्रेस नेताओं से उलट यहां अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के सामने जाने से बच रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा प्रश्न ये है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें ये पूरा विश्वास है कि शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है? यदि ऐसा है तो वो जांच से आखिर कब तक बच सकेंगे? ये भी महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी ने अब तक केजरीवाल से जांच के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख नहीं किया है, जबकि राजनीतिक हस्तक्षेप के आधार पर प्रताड़ित किए जाने के आधार पर वे सर्वोच्च न्यायालय के सामने जांच से बचने की अपील भी कर सकते हैं, लेकिन अब तक उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या कारण हो सकता है? मामले की सच्चाई तो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इस पूरे प्रकरण से राजनीतिक गलियारों में यही निष्कर्ष निकले जा रहे हैं कि केजरीवाल को नियमों में बदलाव करते हुए शराब घोटाले में अनियमितता का पूरी जानकारी है। राजस्व विभाग के टॉप ऑफिसर रहे अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तरह से जिन स्थितियों में आधार पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अदालत क्यों नहीं गए अरविंद केजरीवाल? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील अश्वनी कुमार दुबे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार में कोई भी फैसला अरविंद केजरीवाल के बिना नहीं लिया जाता। ऐसे में जांच एजेंसी ईडी के पास अदालत में केजरीवाल को इस पूरे घोटाले में अंतिम लाभार्थी के रूप में सिद्ध करना कठिन नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इसके पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के प्रकरण में आम आदमी पार्टी ने जांच से बचने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कुछ नहीं किया। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि जांच एजेंसी पूछताछ से बचने की कोई कोशिश कामयाब नहीं करने वाली है। यही कारण है कि वो अब तक अदालत के पास भी नहीं गए। राजनीतिक लाभ किसे होगा, आपको बता दें, इस पूरे प्रकरण में दो राजनीतिक पक्ष हैं। यदि इस प्रकरण में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की छवि नकारात्मक रूप से प्रभावित होती तो भाजपा को इसका सीधा सीधा लाभ हो सकता है। यदि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कमज़ोर होते हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने गुजरात और गोवा में विधानसभा चुनाव में अपनी पकड़ मजबूत की है और लोकसभा चुनाव में इसका सीधा नुकसान भाजपा को होने की आशंका है, यह नुकसान कम हो सकता है। क्या अरविंद केजरीवाल चमकेंगे? आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल इस मामले का एक पहलू ये भी है कि अरविंद केजरीवाल इस मामले को एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में हाईलाइट करने में सफल हो जाते हैं तो वो एक बार फिर हीरो बन जाएंगे। उसका लाभ उन्हें लोकसभा चुनाव के साथ साथ आगामी चुनावों में भी मिल सकता है।
वहीं केजरीवाल जिस तरह एजेंसियों पर आरोप लगा रहे हैं, माना जा रहा कि उनकी रणनीति यही है कि इस मामले का राजनीतिक दोहन किया जाए। हालांकि इस मामले की गंभीरता के कारण ऐसा होना आसान नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे ज़रूर सब्सक्राइब करें।